देखो अभी हमने अभी अभी क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचान करते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। भाई इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, देखो कोई चीज हमारे पास है या हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं या उसमें कोई चेंजमेंट कर रहे हैं, तो सब कुछ हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। अभी देखो हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कहा भाई जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव जिंक क्लोराइड एंड डाई हाइड्रोजन गैस, ये लिखेंगे। तो बेटा जो साइंटिस्ट थे जो इनके बारे में रिसर्च करते थे या जो भी हमारे जो केमिस्ट है जो भी इनके बारे में स्टडी करते थे, तो उन्होंने देखा जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं या हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन करनी है किसी को बताना है या लिखना है, तो हम बार बार उसको वर्ड में लिखते थे, सॉरी उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखते थे, सेंटेंस की फॉर्म में लिखना पड़ता था, जिसके कारण उनको एक थोड़ा ओड लगता था, अजीब सा लगता था बार बार ऐसा लिखना, एक थोड़ा बहुत ज्यादा वो होता है। और वो लिखना भी जरूरी है, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे सराउंडिंग हुई है, कैसे हुई है, कैसे परफॉर्म हुई, कैसे मैकेनिज्म हुआ है, वो सब कुछ हमें लिखना पड़ता था, हमें सेंटेंस की फॉर्म में लिखना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि नाम इसको थोड़ा अलग टाइप से लिखे जिससे हमें एक केमिकल रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए और जिससे हमें इजी भी हो लिखने में भी। तो इसका हम ये कह सकते हो केमिकल इक्वेशन को, जब कोई केमिकल रिएक्शन को जब आप सेंटेंस में लिखते हो तो थोड़ा ओड या अजीब सा लगता है उसको। तो उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने, इनको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इनके वर्ड या सिंबल में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हो गया, लिखने में भी टाइम कम कंज्यूम और उससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपसे कोई पूछे जाए व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, तो आप बताना द मेथड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल या क्या कह सकते हो फॉर्मूला ऑफ गिवन सब्सटेंस टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम उनको उनके सिंबल के रूप में या केमिकल फॉर्मूले के रूप में जब हम लिखते हैं राइट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आप ये भी कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन इन शॉर्टर हैंड, किसमें लिखते हैं बेटा शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर, आप ये भी लिख सकते हो मैंने केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इट, जब कोई केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहा है हम उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उनके सिंबल और उसके केमिकल फॉर्मूले के हेल्प से, तो भी हम उसको क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा जिंक मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और वो हमें क्या दे रहा है जिंक क्लोराइड दे रहा है और डाई हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो हमने देखा था जिंक मेटल का सिंबल क्या होता है ZN, क्या होता है सिंबल क्या होता है ZN होता है, प्लस में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक हम कैसे लिखते हैं HCl इस फॉर्म लिखते हैं। देखो अब जिंक एक अकेले मेटल तो हमने उसको सिंबल के रूप में लिख दिया, इन HCl एक मॉलिक्यूल है तो हम उसको केमिकल फॉर्मूले के रूप में लिख दिया, और हम एक एरो के अकॉर्डिंग यहां पर लिखते हैं क्या बनता है जिंक क्लोराइड एक फॉर्मूला है तो जिंक उसका फॉर्मूला लिख दिया कंपाउंड का, और प्लस में H2 गैस की गैस H2 लिख दिया, गैस एक मॉलिक्यूल है। तो हमने इस केमिकल इक्वेशन को जो सेंटेंस में लिखी हुई थी हमने उसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया सिंबल में और केमिकल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दिया, और किन को रिप्रेजेंट किया जो इस रिएक्शन में क्या कर रहे थे जो सब्सटेंस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब्सटेंस इसमें पार्टिसिपेट करते स्टार्टिंग में वो हमारे पास क्या कहलाया जाता है रिएक्टेंट, वो क्या कहलाया जाते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर, अब एक इससे पहचान कर सकते हो
जो एरो का सिंबल होता है, जिस डैश पे एरो होता है, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। एरो की जिधर टेल होती है वो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट। इसी से आप इजीली पहचान कर सकते हो, जो भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है, अगर जो टेल के साइड में एरो बीच में होता है, जो टेल की तरफ है वो रिएक्टेंट है, और जो हमारी हेड की तरफ है वो प्रोडक्ट है। केमिकल जो एरो है ना, वो हमें ये बताती है कि ये रिएक्शन इस डैश में जा रही है, ये रिएक्शन इस डैश में क्या हुई है, कंप्लीट हुई है, मतलब यहां से इधर कन्वर्ट हुआ है। तो हमारे पहचान करने के लिए, मतलब यहां पर जो अरेंजमेंट थी एटम की, वो यहां से इधर जाके क्या हुई, चेंज हो गई। तो हमें ये बताती है एरो, क्लियर। तो हमें आपको बता दिया अब क्या हो गया हमारे पास, एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है आपको बता दिया। अब पॉइंट आता है, वे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे समझाने के लिए मैं लिखता हूं, जैसे इसी रिएक्शन को ले लेते हैं, जिंक प्लस में HCl डाइल्यूट, और इधर क्या हो गया, जिंक क्लोराइड प्लस में क्या हो गया, H2। तो आपको पता है ये तुम्हारे केमिकल इक्वेशन है। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, व्हाई इट इज बैलेंस, क्लियर। तो हम इसको बैलेंस क्यों करते हैं, तो एक कोई भी केमिकल इक्वेशन है, जब इसमें आपको पता है क्या पार्टिसिपेट लेते हैं, याद रखना, कहीं पर भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन करते हैं, एटम, याद रखना। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या करते हैं, एटम। और आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो एटम है ना, हम इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। एटम इस यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सब्सटेंस की। आपसे कोई भी पूछे कि जो एटम है ना, वो सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक या यूनिट होती है, मतलब एटम का जो मीनिंग होता है ना, एटमी, तो इसका जो ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है अनकटेबल या इनडिवाइडेबल, मतलब हम इसको और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब ना तो हम इसको बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ओनली चेंज, ओनली चेंज इसकी क्या होती है, चेंज होती है जो केमिकल रिएक्शन में अरेंजमेंट। तब इन्होंने कहा भाई आप एटम को ना तो बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो जो आपने केमिकल रिएक्शन की जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट को कभी इक्वल क्यों नहीं होते, इसका मतलब भाई इक्वल होने चाहिए। क्योंकि जब आपने जिंक एटम लिए, मान लो आपने जिंक के 100 एटम लिए, तो HCl के क्या लिए, 100 मॉलिक्यूल्स लिए, जिसमें 50 मॉलिक्यूल्स क्या है, H है, और 50 क्या है इसमें, Cl है। तो जब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, तो एटम ना तो डिस्ट्रॉय होते ना उसको क्रिएट कर सकते, तो उतने ही होने चाहिए ना एटम भी, तो एटम भी हमारे पास क्या होना चाहिए, उतने ही होने चाहिए जितने पहले थे, जितने रिएक्टर के टाइम थे, और प्रोडक्ट बनने पर भाई उतने ही एटम होने चाहिए, जिंक के जितने थे पहले उतने ही इतने होने चाहिए, एच के जितने एटम थे वो भी उतने होने चाहिए, सीएल के क्लोराइड के एटम, क्लोरीन के जितने एटम थे वो भी उतने होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि कोई भी इक्वेशन होती है या कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख के रिटर्न करके हम उसको फिर बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होना चाहिए, उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रूल ये कहता है कि जितना आपका रिएक्टेंट होता है ना, उतना ही आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, उतना ही मास प्रोडक्ट। अब आप कहोगे सर आप तो ये कहते हो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, बट हम तो यहां पर बात करें एटम की। अब जब एक सोच के देखो, जब यहां पर इसके 100 एटम है तो इधर भी 100 एटम होंगे, जब एटम्स की क्वांटिटी सेम है दोनों साइड, तो उनका मास भी तो सेम मिलेगा, मास कोई अपने अलग से बाहर से थोड़ी आ जाएगा, मास कहीं कोई बाहर से थोड़ी आ जाएगा। जब यहां पर 100 एटम का मास इतना था, इधर भी 100 एटम है, इधर भी 100 एटम है, यहां पर भी 100 एटम है, यहां पर भी 100 एटम है, जब दोनों तरफ 100 एटम है तो एटम का एटॉमिक मास भी तो सेम होता है, तो उनका टोटल मास भी तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी के बेस हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते। तो आप ये कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन हैज, एक केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड इक्वल नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। या आप ये भी कह सकते हो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ
प्रोडक्ट। तो यहां पर ये क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, क्लियर। तो आपके पास कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन दे दी जाए तो आप उसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। उसको बैलेंस कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को लेकर चलते हैं भाई। हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और लाइफ में एक चीज याद रखना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर देखो, ये हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास कौन सा होता है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक एटम कितना है, वन। हाइड्रोजन कितने एटम है, वन। क्लोरीन कितने एटम है, वन। इधर जिंक एटम कितने है, वन। यहां पर क्लोरीन कितने एटम है, टू। हाइड्रोजन कितने एटम है, टू। तो हम यहां पर देखते हैं, देखो ध्यान से, इधर जिंक एक एटम है, इधर भी जिंक एक एटम है। इधर हाइड्रोजन कितना एटम है, एक है। इधर कितने हाइड्रोजन एटम है, टू है। इधर क्लोरीन कितने एटम है, वन है। इधर हाइड्रोजन एटम कितने है, टू। मतलब ये तो बैलेंस नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब इधर टू है तो इधर भी टू करना है, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर टू है तो इसको टू से मल्टीप्लाई, टू हमारे पास टू हो गया, ये भी टू हो गया। अब हमें इसमें भी करना है बैलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर ये दोनों साथ है तो एक साथ बैलेंस कर दो, अगर साथ नहीं है तो उसको अलग अलग बैलेंस करो। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बैलेंस करना है, तभी जाके आपको क्या होगी, वो इक्वेशन बैलेंस होती है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपके पास बहुत सी केमिकल रिएक्शन दे देंगे एग्जाम में करने के लिए, और वो कहेगा इसको, जैसे आपको कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपको वर्ड में दे देंगे और वर्ड से आपको कहेगा भाई इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो और साथ में बैलेंस करो। ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे आपको कोई रिएक्शन दे देंगे और वो उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे और वो आपको कहेगा भाई इसको एक तो केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो, दूसरा उसको बैलेंस भी करो। तो बहुत इजी होती है, आप इसको इजीली बैलेंस कर लेना। पहले उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना, फिर उसके नंबर ऑफ एटम राइट साइड के लिखना और नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड के लिखना। फिर आप पहले ये देखना कौन सा एटम किधर, कितने एटम कम है, जिधर जितने एटम कम है उधर उतने एटम को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। बट साथ में आप दूसरे एटम को भी चेक करना, करते जाना कहीं दूसरा एटम चेंज ना हो जाए, क्योंकि जब आप इसको बैलेंस करोगे तो दूसरे एटम भी क्या हो जाते हैं, उस दौरान चेंज हो जाते हैं। तो हमें इस पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बैलेंस के, भाई ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वॉटर एरो, यहां पर हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज प्लस में डाइऑक्सीजन, आप कैसे दे देंगे। और वो कहेगा इस इक्वेशन को बैलेंस करो, और सबसे पहले कहेगा इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और फिर उसको बैलेंस करो। देखो फिर से बता रहो, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जब कोई भी केमिकल इक्वेशन है, आप उसमें जो सब्सटेंस उसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, आप उन सब्सटेंस को उसके सिंबल के रूप में या केमिकल फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर दो। तो मैं सबसे पहले देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CO2। वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। एरो, ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। और डाइऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब वो कह रहा है इसको बैलेंस करना है। अब हम देखेंगे यहां पर कार्बन कितने हैं, वन। इधर कितने हैं, सिक्स है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, ट्वेल्व है। इधर कितने हैं, टू है, तो इसको भी सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखो कार्बन यहां पर कितने हो गए, सिक्स। हाइड्रोजन कितने हो गए, ट्वेल्व। ऑक्सीजन कितने हो गए, यहां पर ध्यान से देखना, सिक्स इंटू टू कितने हो गए हमारे पास, 12। और प्लस में 6 कितने हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गए। इधर कार्बन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। और ऑक्सीजन कितने हैं, 8। कितने ऑक्सीजन एटम है, 8। और हम उसको देखो थोड़ा समझने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 6 प्लस में 2 8 है भाई। इधर कितने है, 18 है। इधर कितने है, 6 प्लस 2। तो बैलेंस तो करना ही है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया, 12। अब कितने हुए, 18। अब आप खुद देख लो, मैंने इस केमिकल इक्वेशन को पहले इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, सिंबल या केमिकल फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट किया, साथ में फिर मैंने उसको बैलेंस किया। कैसे बैलेंस किया, आप इससे हेल्प से दूसरे इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर एक छोटा सा टॉपिक और है इस रिएक्शन में,
यहाँ पर छोटा सा टॉपिक और है इस तो इस क्लास में या इस चैप्टर में, ये कहते हैं कि इसमें ये पूछा जाता है कि आप कोई केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो। आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है आपके पास जब कोई भी केमिकल रिएक्शन है आप उसको ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और उससे हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले उस इक्वेशन से या उस इक्वेशन सिंबल से हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो मैं इसी को लेकर चलता हूं मैं इसी को लेकर चलता हूं, जैसे जिंक है रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड टू गिव, क्या देगा, जिंक क्लोराइड एंड डाई हाइड्रोजन गैस। अब वो कह रहा है कि भाई आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए बेटा हमारे पास तीन पॉइंट से हम इसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ध्यान से देखो, देखो मैं पहले बता रहा हूं, तीन पॉइंट होते हैं, इन तीन पॉइंटों की हेल्प से हम इस इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते। जैसे मैं इसको लिख देता हूं, जिंक प्लस में डाइल्यूट HCl, ये क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, और प्लस में क्या बन जाएगा, H2। मैं इस इक्वेशन को मतलब एक इस इक्वेशन को देख के मुझे इसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन पता चल जाए तो उसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिव इक्वेशन। मतलब हम इस इक्वेशन को और ज्यादा कैसे इंफॉर्मेटिव बनाए, मतलब एक इक्वेशन को देख के मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसके बारे में पता चल जाए। तो तीन पॉइंट होते हैं, पहला पॉइंट है इनके सिंबल से, सिंबल मतलब जो स्टेट के सिंबल होते हैं, मतलब जैसे कोई रिएक्टेंट है या सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में या एक्वा स्टेट में या गैस स्टेट में। अब जैसे इक्वेशन है जिंक हमें सॉलिड मिलता है तो मैंने ऐसे लिख दिया, HCl मुझे एक्वस फॉर्म में ही मिलता है ऐसे लिख दिया, जिंक क्लोराइड भी मेरे पास किस में होता है बेटा, एक्वस फॉर्म में होता है, H2 मेरे पास गैस में होता है। तो देखो इस इक्वेशन के साथ मैंने सिंबल और लगा दिए कि मतलब जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है वो किस स्टेट में मुझे मिलते हैं, वो किस स्टेट में मुझे मिलते हैं, और मैंने उनके स्टेट के सिंबल लगा दिया तो मुझे पता चल गया भाई जो जिंक है ना वो सॉलिड में था, जो HCl था ना वो एक्वस फॉर्म में था, और जो जिंक क्लोराइड बना वो भी एक्वस फॉर्म में बना, और जो H2 गैस था वो क्या बनी, गैस की फॉर्म में बनी है, जो H2 है ना गैस की फॉर्म में इवॉल्व हुई है, इमिशन हुई है। तो देखो इससे मैं ये पता चल गया, ये लगाने से मेरे पास जो इक्वेशन थी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई, और भी ज्यादा बढ़िया, उससे मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया भाई जिंक सॉलिड में होता है, HCl एक्वस फॉर्म में होता है, और जिंक क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में मिलता है, और H2 जो बनता है वो गैसीय स्टेट में बनता है, मतलब गैस के रूप में इवॉल्व हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट आता है इसका और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना, मतलब चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ हीट, क्लियर। वहां पर जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है आपको पता चल गया भाई टेम्परेचर राइज होता है या डिक्रीज होता है, टेम्परेचर राइज होता है या डिक्रीज होता है, तो वहां पर क्या होता है, हीट इवोल्व भी करती है या एब्जॉर्ब भी होती है। अब जैसे ये रिएक्शन हुई तो इस रिएक्शन ने हीट को इवोल्व किया, तो मैंने साथ में ये लिख दिया भाई हीट, तो इससे मुझे ये पता चला जब ये रिएक्शन हुई थी ना वहां पर हीट रिलीज हुई थी, हीट क्या हुई थी, रिलीज। अगर मैंने प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा है प्लस में तो मतलब हीट रिलीज हुई है, टेम्परेचर राइज हुआ है। अगर मैं रिएक्टेंट साइड में प्लस में हीट लिखा है तो मतलब यहां पर हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई है। अगर रिएक्टेंट साइड में हीट को लिखोगे तो वो एब्जॉर्ब होगी, अगर प्रोडक्ट साइड में लिखोगे तो वो हीट क्या होगी, रिलीज होगी। देखो अब मुझे कितना बारे में पता चल गया, एक इक्वेशन से ही, एक इक्वेशन से मुझे क्या क्या पता चल गया इस इक्वेशन के बारे में, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी एक इक्वेशन से, मुझे ज्यादा उसके बारे में पढ़ना नहीं, मैं इक्वेशन को देख के बता दूंगा आपको क्या क्या हुआ है, मैं पूरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर दूंगा एक इक्वेशन को देख के, क्योंकि अब ये इक्वेशन है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो चुकी है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई है, क्लियर। अब लास्ट स्टेट होती है बेटा कंडीशन से,
लास्ट पॉइंट होता है जिसको और इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, है कंडीशन। भाई जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, उस रिएक्शन को होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। वो रिएक्शन जहां पर भी होती है तो वहां पर कुछ कंडीशन लगती है। तो कौन कौन सी कंडीशन है उसके बेसिस पर हम इसको देख सकते हैं। जैसे इसके लिए मैं एक अलग एग्जाम्पल ले रहा हूं, भाई कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मैं इसकी रिएक्शन H2 से करता हूं तो मेरे पास वहां पर मिथेनॉल बनता है। मैं आपको समझाने के लिए कंडीशन, तो बेटा जरूरी नहीं ये दोनों रिएक्शन है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो मैं इनके सिंबल लिख देता हूं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है गैस होती है, H2 भी गैस होती है, और ये मेरे पास क्या होता है लिक्विड में होता है। अब देखो मैंने इसको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है और उसके साथ में इनकी स्टेट के सिंबल भी रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि भाई इस रिएक्शन देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को H2 के साथ रिएक्शन करता हूं, मिथेनॉल बनता। अब मैंने इतना लिख के छोड़ दिया। अब कई बच्चे क्या करेंगे लैब में इस रिएक्शन को करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस को दोनों को एक कंटेनर में मिला देंगे और कहेंगे सर यहां पर तो मिथेनॉल बना ही नहीं। भाई यहां पर तो मिथेनॉल बना ही नहीं, क्योंकि आपको मिथेनॉल किस मिलेगा लिक्विड मिलेगा, मैंने बता दिया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देख के लैब में परफॉर्म करूं तो मैं क्या करूंगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को गैस के रूप में लूंगा, H2 को मैं गैस के रूप में लूंगा, दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दूंगा और कुछ देर के बाद देखूंगा मिथेनॉल बन गई। तो आप कहोगे मिथेनॉल तो बनी नहीं, फिर कहोगे नहीं सर ने तो गलत लिख दिए, तो होती नहीं रिएक्शन, ये तो प्रोसेस हो ही नहीं, तो ऐसे ही रिएक्शन लिख दी। बट यही पर हमारा पॉइंट आता है थर्ड काम, कंडीशन। कुछ रिएक्शन होती है जिनको कुछ परमानेंट कंडीशन लगती है करने के लिए, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नहीं हो सकती, उनके लिए कुछ कंडीशन चाहिए। जैसे इस रिएक्शन को करने के लिए यहां पर 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, मतलब वहां पर प्रेशर, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और साथ में हमें यहां पर जिंक, यहां पर कैटलिस्ट लेना पड़ेगा जिंक ऑक्साइड और प्लस में CrO3। क्या लेंगे? CrO3। तो ये देखो जब आप ये रिएक्शन करोगे तो आप इनको नहीं लिखोगे तो आपकी रिएक्शन कभी परफॉर्म होगी नहीं, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। ये रिएक्शन थी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। तो अब हमने लिख दिया सी और एच को जब आप इंटरमिक्स करोगे कंटेनर में तो वहां पर प्रेशर इतना होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, साथ में कैटलिस्ट भी होने चाहिए, तभी जाके आपका मिथेनॉल फॉर्मेशन होगा, तभी आपका एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, तभी आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो इन तीन चीजों को हम और ऐड कर दे किसी भी केमिकल इक्वेशन में, इन तीनों चीजों को अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन में हम ऐड कर देते हैं तो वो इक्वेशन और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है, जिससे हमें उससे ज्यादा नॉलेज बनती है और ज्यादा हम उस इक्वेशन को इजीली समझ सकते हैं और इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्टली ये होता है हम रिएक्शन को करते और एक्शन आप कहते हो सर ये तो परफॉर्म होती नहीं, क्योंकि हमें उस समय उसकी कंडीशन के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जहां पर भी प्रोसेस होती है हर उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब आप सोच के देखो आयरन को रस्ट लगता है क्या नॉर्मल लग जाता है? नहीं, कुछ कंडीशन होनी चाहिए, वहां पर O2 होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, तभी वहां पर रस्टिंग लगेगी। अगर दोनों में से एक एब्सेंट है तो वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर?